धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं संक्षेप में बड़े पॉइंट्स रख रहा हूँ। इस बिल का मैं विरोध करता हूँ इंट्रोडक्शन का, क्योंकि ये भारत के संघीय ढांचा पर एक प्रहार है। किसी प्रकार की कंसल्टेशन टॉक्स ये केंद्र सरकार ने इस बिल लाने से पहले नहीं की है, ना राजनीतिक दलों से की है, ना राज्य सरकार से की है, ना किसी उन्होंने विचार विमर्श, ये बस अपने विफलताओं को छुपाने का ये एक प्रयत्न है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि दो सौ पचास सीट का इसमें उन्होंने नियम 2050 वार्ड का इन्होंने एक सीमा बांधा है। 2050 का ये सीमा ये लेजिस्लेशन में बांध नहीं सकते, क्योंकि सीट और वार्ड आबादी के अनुसार होना चाहिए, कोई नियम नहीं डाल सकते। तीसरी बात यह है कि इन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर डाला है, ये पूरी तरीके से एक स्पेशल ऑफिसर संघीय ढांचा के खिलाफ है। 2012 में ये एनडीएमसी ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्राइफर्केट हुआ था और इसलिए हुआ था ताकि ये डेमोक्रेटाइज हो, डिसेंट्रलाइज हो, और इसी के आज विरोध में ये बिल जा रहा है। इस कारणों के लिए मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।